और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को कानपुर में हुआ पहला टी20 मैच मेहमान टीम ने 7 विकेट से जीत लिया। इस मैच में जब टीम इंडिया विकेट के लिए तरस रही थी, उसी वक्त जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को बोल्ड किया और सेलिब्रेट करने लगे। हालांकि कुछ देर बाद ही जो रूट वापस क्रीज पर पहुंच गए। बुमराह ने अगली बॉल पर फिर उन्हें बोल्ड किया, लेकिन वे तब भी खेलते रहे। ये वाकया इंग्लैंड की इनिंग के दौरान 17वें ओवर में हुआ। इस ओवर की 5वीं बॉल पर बुमराह ने जो रूट को बोल्ड कर दिया और सेलिब्रेट करने लगे। हालांकि बोल्ड होने के बाद रूट वापस पवेलियन नहीं लौटे, बल्कि नो बॉल चेक होने तक के लिए वे वहीं रुक गए। जब टीवी रिप्ले देखा गया तो उसमें पता चला कि बॉलिंग के दौरान बुमराह का पैर क्रीज से आगे था और वो नो बॉल थी, जिसके बाद रूट आउट नहीं निकले और वापस बैटिंग करने के लिए रुक गए। इसकी अगली ही बॉल पर बुमराह ने एक बार फिर क्रीज पर खड़े जो रूट की गिल्लियां बिखेर दी, लेकिन फिर बोल्ड होने के बाद भी रूट पवेलियन नहीं लौटे बल्कि बैटिंग करते रहे। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगली बॉल फ्री हिट थी, जो नो बॉल के बदले में इंग्लैंड को मिली थी। फ्री हिट पर रन आउट को छोड़ बैट्समैन किसी भी तरीके से आउट नहीं माना जाता। इसी वजह से जो रूट एक बार फिर बोल्ड होने के बाद भी खेलते रहे। उन्होंने मैच में नाबाद 46 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई। NMF न्यूज की रिपोर्ट।